देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। शीला देवी कस्बा खानपुर न्याय पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शीला देवी गांव खानपुर जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। शीला देवी ने आरोप लगाया है कि दबंग लोगों ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। शीला देवी अपनी जमीन के बारे में दबंग लोगों से कुछ कहती है तो वह दबंग लोग पीड़ित महिला शीला देवी को जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला परेशान होकर आज DMSSP को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। SSP श्लोक कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र लेते हुए दबंग आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? क्या परेशानी है आप? आपके जो मकान पे कब्जा हो रहा है, मकान पे हो रहा है या जमीन पे हो रहा है? जमीन पे कब्जा हो रहा है। खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उस पर पहले से कब्जा नहीं था क्या आपका? आप SSP ऑफिस आई हैं, यहाँ पे आपने शिकायत दी करी, क्या आश्वासन मिला आपको उन्हीं के खिलाफ? अभी आप पत्रकार साहब के यहाँ पे क्या कहा वो? जांच के लिए दे दिया ना? जांच या आपने कहा है कि कुछ नहीं कहा? हमारी जमीन पर कुछ लोग जो है कब्जा कर और हम उसे कहते हैं तो हम मारते हैं और कुछ लोग खड़े होकर के कब्जा करा कि यहाँ पर ये महिला जो है न्याय के लिए आई है और आप कह रहे हो कब्जा नहीं करा रही है और वो मालूम करने के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा ये प्रकरण है पुलिस उन लोगों के साथ तो मिली होती और पैसे लेकर तो उस पर कब्जा करा रही है समझे। लेकिन अगर यहाँ से भी शीला देवी जी को न्याय नहीं मिला तो खाली SSP का ऑफिस नहीं है, हम DGP तक जाएंगे, केंद्र सरकार तक जाएंगे और सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अनुसूचित जाति के साथ में इस समय जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो कि उन्होंने कुछ लोगों को या सामाजिक तत्वों को लेकर के इन लोगों की जमीनों पर कब्जा करा है और तब तक ये कार्य जारी रहेगा जब तक शीला देवी जी को न्याय नहीं मिलेगा। आप SSP ऑफिस आए क्या आपको यहाँ पर अनुसूचित आश्वासन दिया है उन्होंने कि इस समय निर्माण नहीं हो रहा, निर्माण रोक दिया गया लेकिन I am not satisfied जब मौके पर जाकर के देखेंगे कब्जा हट जाएगा, ब्रेक हो गया और तभी तो हम सेटिस्फाई होंगे।